बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अली अशरफ फातमी से एक महत्वपूर्ण सवाल ये हम पूछें, क्योंकि अब दो दिनों से ये बात चल रही है आरसीपी सिंह के बारे में। एक बात जो आ रही है, क्या आप एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये संभावित कल बैठक हो रही है जिसमें आरजेडी के भी अलग विधायकों की बुलाई गई है और जदयू की बुलाई गई। अगर ये बात कहीं से भी आई है कि राजद जदयू मिल सकता है, तो आपका क्या है? ये पार्टी का फैसला होता है और जब पार्टी बैठेगी तो फैसला होगा। हम अकेले इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? अभी तो मंथन कर रहे होंगे कि ये बात चल रही है दो दिनों से ही कि ये संभावना बन सकती है, और कल बैठक भी अलग अलग बुलाई जा रही है। कहाँ पे बुलाई जा रही है? पटना में। मुझे उसकी जानकारी नहीं, मैं उसमें नहीं बुलाया गया हूँ, तो मैं कैसे करूँ? अगर ऐसी संभावना बनती है तब आपका क्या सीन, क्योंकि आप एक कद्दावर नेता भी हैं और आपको नीतीश कुमार ने महासचिव बनाया था, राष्ट्रीय महासचिव, इसलिए कि मुस्लिम वोटर्स के पर आपकी ज़्यादा पकड़ है बिहार में, और कई जगह आपको इस्तेमाल भी किया गया था चुनाव के दरमियान। तो आपका क्या स्टैंड होगा? जब मुझसे राय पूछेंगे नीतीश कुमार जी, तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। अभी तो पूछा नहीं उन्होंने। फिर भी आप तो कुछ तो सोच रहे होंगे ये बात चल रही होगी। नहीं नहीं, अभी विचार जो है ना उसको बचा के रखना चाहिए, वक्त देना चाहिए। अच्छा, अगर भाजपा से अलग होता है तो आप इसको किस रूप में लेंगे, क्योंकि भाजपा के साथ अभी सरकार है और आप दोनों साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, विवाद तो होते ही रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने एक बात कही थी और उसको मैं, आप चाहिए तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और वो कहा ये था मैंने कि नीतीश कुमार जी को अब आगे सफ़र करना चाहिए, आगे की सफ़र में कदम बढ़ाना चाहिए। और मैंने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि नीतीश कुमार जी इज़ अ बेस्ट कैंडिडेट फॉर पीएम। ये मैंने कहा है, पार्टी के अंदर भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ आपसे। लेकिन अब वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, ये तो पार्टी को फैसला करना होगा, उनको भी करना होगा। तो क्या लगता है कि आरसीपी सिंह के अलग हो जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड में दो फाड़ होगा, अलग गुट बनेगा, क्योंकि ये मिशन प्रारंभ हो गया है और पूरे बिहार में कई ऐसे सांसद भी हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो कल साबित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके नज़र में कौन से ऐसे नेता हैं जो उनके साथ जा सकते हैं? मेरे बारे में जितना जानता हूँ, उनके पास कोई नहीं है। वो उनके पास जो लोग जाते थे रहे होंगे, वो इसलिए जाते रहे होंगे कि वो पार्टी के अध्यक्ष थे और पार्टी की तरफ से वो मंत्री बन गए थे, राज्यसभा के मेंबर थे। लेकिन यार, मैंने तो कभी, हमारी भी 34 साल की पॉलिटिकल ज़िंदगी हो गई, मैंने तो आरसीपी सिंह को ऐसे नेता माना ही नहीं, कबूल ही नहीं किया दिमाग में। ऐसे तो हैं, पोस्ट पे ओहदे पे रहे, वो कब पॉलिटिकल थे यार, आईएएस थे, उनकी कोई ट्रेनिंग हुई थी पॉलिटिकल? नहीं हुई थी। तो क्या ये भूल हो सकती है एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनेता बना देना, इतने उच्च स्थान पर ले जाना, अचानक नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, तो क्या ये राजनीतिक भूल? ये कोई राजनीतिक भूल नहीं है, हर को मौका मिलना चाहिए। राजनीति किसी की बपौती नहीं है, ठीक है ना? लेकिन लीडर वही बनता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको ज़मीन की सच्चाई मालूम होती है, और जो ईमानदारी से काम करे। ये कौन सी ईमानदारी हुई कि एक आपको मंत्रालय और राज्यसभा चली गई तो आपने सीधे लीडर को क्या कह दिया कि डूबती हुई नैया है, ये 10 जन्म प्रधानमंत्री नहीं होगा। जब फातमी जी, एक लोग काफ़ी बड़े सवाल पूछ रहे हैं, आपके तो बहुत राजनीतिक करियर काफ़ी लंबे अरसे से, आपने उतार चढ़ाव देखे,
क्या कभी आपने देखा होगा कि कोई एक पार्टी का कार्यकर्ता, प्रखंड स्तर का कार्यकर्ता, अपने बड़े नेता के बारे में उसके पूरे संपत्ति का ब्यौरा देता है? क्या लगता है कि उसके एक औकात है वो करने की, या फिर कहीं दिशा निर्देश से ऐसा काम हुए? देखिए, एक बात समझ लें आप, हर इंडिविजुअल की वैल्यू है डेमोक्रेसी में, हर इंडिविजुअल को आज़ादी है कोई भी चीज़ को रखने की। कोई अगर बैठ करके बड़ा एंकर है दिल्ली में, उसी का काम नहीं है कि बड़ी न्यूज़ को ब्रेक करे। आप भी बैठे हैं दरभंगा में, आप भी बड़ी बड़ी खबरों को ब्रेक करते हैं। तो डेमोक्रेसी में यही तो ब्यूटी है कि अगर कोई बात किसी को अच्छी या बुरी लगी तो उसको वो उजागर करता है। किसी को लगा, किया होगा, मैं नहीं जानता हूँ उनको। अभी आपने कभी सुना, ऐसा कभी इतिहास में हुआ होगा कि किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने ही पार्टी के वरीय नेता के खिलाफ किया? ऐसे कई भ्रष्टाचारी नेता भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है? आपके अपने सगे भाई से होती है, फिर चचाजाद भाई से होती है, फिर खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, पहले घर में लड़ाई होती है, ठीक है ना। जब बाहर वाले से होती है तो सब एक हो जाते हैं, वो बात अलग है। तो अगर ये क्यों कह रहे हैं कि अगर एक पार्टी में है तो आपस में डिफरेंसेस नहीं है? होते हैं डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस के अलावा कोई समझता है कि इस बात को जाना चाहिए तो देता है, अपना दिया होगा। तो मुझे आरसीपी बाबू के दौलत पर, संपत्ति पर, उन्होंने क्या रखा है नहीं रखा है, इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना। मैं उनके पॉलिटिकल जीवन पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि जिसके सहारे आप भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए। हमने भी आरजेडी छोड़ा, हमको टिकट नहीं हुआ, हमको गुस्सा आया, हमने छोड़ दिया। लेकिन कहीं आपने लालू के खिलाफ एक लफ्ज़ निकालिएगा अपने रिकॉर्ड में कि लालू को मैंने उल्टा सीधा कहा हो? लालू जी को पहले भी रिस्पेक्ट था, आज भी रिस्पेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो निकाल लीजिएगा अपने रिकॉर्ड्स। तो अब और, क्या? और जो एहसान कोई करे, लालू ने मेरे ऊपर एहसानात किए तो मैं क्यों भूल जाऊं? ठीक है, मेरे विवाद हुए एक सवाल पर हम हटे, लेकिन हम कहीं बाहर थोड़ी गए, वही समाजवादी परिवार में चले आए, पहले भी काम किया नीतीश जी के साथ, उनके पास आ गए थे। आप तो जिसकी वजह से बने राज्यसभा, अरे उन्हीं की कटसी थी कि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बने, वरना बहुत आईएएस हैं देश के अंदर, किसी को रख सकते थे वो। आप पे भरोसा किया, आपको राज्यसभा लेके गए, आप पे भरोसा किया, आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, आप पे भरोसा किया, आपसे बहुत, आपके ज़रिए बहुत सारे काम करवाए होंगे उन्होंने, भरोसे पे कराया। तो आप एक चीज़ बताओ कि बगैर भरोसा में लिए हुए आप पार्टी के बिहाव पर गलत सलत फैसले कराते हो, जिससे पार्टी की आइडियोलॉजी ख़त्म होती है, ठीक है ना, जिससे पार्टी का वोट बैंक ख़राब होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर राज्यसभा तक आप करते हो। फिर आप जितना मुझे जानकारी, अपनी मर्जी से अपना नाम प्रेसिडेंट होने की वजह से दे देते हो मंत्रालय में, जबकि नीतीश कुमार चाहते थे अगर मंत्रालय में जाना भी है तो कम से कम चार मंत्री बने, इसमें क्या बुराई है? तीन और कलीग थे आपका, इतनी क्या जल्दी थी? तो कहीं ना कहीं नियत ठीक नहीं थी। अच्छा, अंतिम सवाल, उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की जो नैया है वो डूब रही है, क्या लगता है अचानक का स्टेटमेंट है? एक पहले ही से एक पूरी तरह प्लानिंग तैयार की गई है जिसमें प्रशांत किशोर हैं, जिसमें आपके और भी कई ऐसे नेता हैं, चिराग पासवान हैं, जिन्होंने पहले से एक प्लानिंग पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि बीजेपी से जब अलग होंगे तो जदयू के पास कोई चारा नहीं होगा। तो ये आपको लगता है कि पहला तुरंत का स्टेटमेंट है, ये एक प्लानिंग है, क्योंकि आरसीपी बहुत पहले से नाराज है? आरसीपी बाबू कब से नाराज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीतीश की नैया नहीं डूबी, नीतीश की नैया चल रही है। आप डूब गए, शायद अब आपको पानी का एहसास होगा कि उस में तैर पाएंगे पानी के अंदर या नहीं,
इसलिए कि आगे का रास्ता उनका आसान नहीं होगा। क्या करेगी अगर भाजपा से अलग होगी तो उनके पास दो ही विकल्प है, या तो राजद या भाजपा, दोनों चुनने, दोनों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। भाजपा से तरक्की चल रही है और राजद आमंत्रण, वो तो उनका फैसला होगा कि वो कहाँ जाएंगे। इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि फला जगह चले जाइए फला जगह नहीं जाइए, तो उनकी अपनी सहूलत होगी। आप क्या समझते हैं, पहले से फैसला कर रखा होगा मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। लेकिन मेरा मानना है नीतीश जी सुरक्षित हैं और ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट पीएमशिप, जो मेरा मानना है। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम जदयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वक्त के साथ किस तरह चलना चाहिए? नहीं, वक्त के साथ क्या है, वक्त यही कहता है कि आप अपने सिद्धांत से कभी समझौता ना करें, आपका आपके जो बेसिक्स हैं उसको कभी ना छोड़ें, बीच में जो कुछ हो गया थोड़ा बहुत उसको भूलें और आगे नीतीश कुमार जी के साथ कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ें। और एक देश के अंदर एक संदेश दें कि आप देश को बदलना चाहते हैं, देश के अंदर आप एक अच्छे बदलाव से मतलब सिर्फ सरकार का बदलना नहीं, बल्कि सरकार में वेलफेयर के काम, सरकारों के अंदर जा कर के मुल्क को आगे बढ़ाने का काम, प्रदेश को बढ़ाने का काम, ज़िलों को बढ़ाने का, गाँव को बढ़ाने का काम करेंगे, उसका संकल्प लेना चाहिए और नीतीश जी पे भरोसा रखना चाहिए। तो हम बता दें मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो कि कद्दावर नेता भी हैं और राजनीति में मजबूत पकड़ भी है, लेकिन एक बात तो सामने है, जब अमित शाह बिहार के दौरे पर थे उन्होंने कहा था कि भाजपा जदयू साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंदर की बात बता दें कई राजद के एमपी और एमएलए इस संपर्क में हैं कि जदयू निश्चित तौर पर राजद के साथ गठबंधन बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अगर जदयू इस तरह का कोई भी कदम उठाती है तो उसके सामने क्या विकल्प है। लेकिन पूरे बिहार की सियासी राजनीति गर्म हो चुकी है, कल तक बहुत कुछ पता लग जाएगा कि कल की बैठक में जदयू में कौन कौन से सांसद उपस्थित होंगे। लेते रहिए बिहार में तालूस, धन्यवाद।